बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं मेरे यूट्यूब फ्रेंड। आज मैं रमज़ान स्पेशल आलू भरा पकौड़ा, मिर्च पकौड़ा बनाना सिखाऊंगी बेसन का। ये मैंने आलू को उबाल लिए हैं, थोड़ा सा पानी डाल के, और इसको मैंने और थोड़ा सा नमक डाल के पानी डाल के इसको मैंने उबाल लिया है। उसको अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है, ठीक है। और अब इसके अंदर ये सारे स्पाइसेस जाएंगे। नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1.5 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्चे, और 1/2 टीस्पून हमने आमचूर पाउडर लिया है, और ये ड्राई पुदीना है, फ्रेश ड्राई पुदीना, ये घर में मैंने उसको ड्राई किया हुआ है, और 1/2 टीस्पून हमने चाट का मसाला लिया है, और थोड़ा सा हमने ज़ीरा लिया है, और इसको हम और चुटकी भर हम इसके अंदर अजवाइन डाल के इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इस मिर्चों में भर लेंगे, और फिर हम बेसन का घोल बना के फिर उसमें डिप करके इसको हम फ्राई करेंगे। पहले मैं ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्सर हमने अच्छी तरह से सारे मसाले डाल के इसके अंदर टाटरी भी डाल दी थी मैंने बाद में थोड़ी सी ऐसा खटास लाने के लिए, और थोड़ी सी अजवाइन भी मैंने ना मसल के डाल दी थी। अब ये इसी तरह मिर्चों को खोल खोल के ना इसके से मैंने सीड्स निकाल दिए थे, और अब इसको खोल खोल के इसके अंदर ये सारे मिक्सर डाल के ना यहाँ मैं रखती जाऊँगी। अब मैं सारा कर लूँगी ना फिर फ्रेंड। ये हमने सारी मिर्चों पर लगा दी थी, अब ये मैंने बेसन में नमक मिर्चें और हल्दी डाल के ना इसको थोड़ा सा गाढ़ा सा हमें बैटर बना लिया। अब इसको हम एक एक मिर्च लेंगे, उसमें कोट कर करके इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई कर लीजिए फ्रेंड, हमारे क्या है मज़ेदार आलू भरमा मिर्च के पकोड़े, मज़ेदार अच्छे लग रहे हैं। आप रमज़ान में बनाएं और अफ्तार में बनाएं और मज़े करें और मज़े कराएं। मिलती हूँ नेक्स्ट नई और ज़बरदस्त और इजी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।